राह काम करती है, मगर जब इनके साथ ये मीटिंग्स हुई तो पता चला कि असल राह तो ये बैठे हुए हैं अपने जो ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, इनका और चेहरा है, जब बाहर निकलते हैं तो इनका एक और चेहरा। हम पहले पुलिस के पास गए हैं, उन्होंने सारा स्टेटमेंट्स लिए हैं, इंटरव्यू किया है, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको खतरा है, आपकी फैमिली को भी खतरा है, हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। और मैंने कहा जी मेरी जो ये विटनेस स्टेटमेंट ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी वैलिड है, कहता है इससे ज्यादा तो और वैलिड है ही नहीं, आप एक जिंदा सलामत बोलता हुआ सबूत है जो कोर्ट में बोलेगा ब्रिटिश लॉ के मुताबिक, और ये सब बिहाइंड बार के साथ है। कोई मेरे जुल्फी बुहारी के साथ कोई तलकात नहीं है, उनके जो वालिद हैं वो हमारे अंजुमन सदात का एक प्लेटफॉर्म है, उधर का भी एक दो दफा आए हैं, तो उनका मेरे पास नंबर है, तो जुल्फी बुहारी का भी मेरे साथ कोई राबता नहीं है, कोई किसी ना वो मुझे जानता है। वो तस्वीर रॉयल नवाब में उधर वो आए थे तो उधर मुझे भी इन्वाइट किया गया, तो एक तस्वीर होगी बस, चले सैयद ब्रदर है तो चले एक जगह। मैंने पुलिस को बोला कि इसको मुल्क नहीं छोड़ने देना, ये भाग जाएगी, क्योंकि उधर से भी भाग के आई तो अब इधर से भी भागेगी, तो उन्हें बोला कि उसने लिख लिया, तो मैंने कहा इसका डालें कंप्यूटर में, ये भागेंगे, और वो वाकई भाग। पुलिस ने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया है क्योंकि मुझे थ्रेट्स आ रही है, मुझे वो कह रहे हैं कि आपको हम कत्ल करवा देंगे, अभी रात को मुझे काले आ रही हैं मेरे फोन पे कि आपको और आपकी फैमिली को मरवा देंगे, पीछे भी आपकी फैमिली को मरवा देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं वो आती है एनोनिमस नो नंबर से, मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मैंने तो आपकी भी रिकॉर्डिंग नहीं की, अभी मैं करूंगा इंशाल्लाह। जब मरियम नवाज साहब की वालदा उनकी वफात हुई थी, मैंने उनकी बॉडी अपने हाथों से उठा के बाहर लाया था, उस वक्त राजा नकीब साहब ने मेरा इंटरव्यू किया था, उनको किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में बैठे हैं और उधर बाद में मर्डर हो जाता है, तो आप देखते हैं तो आप तो उसका हिस्सा बन चुके हैं बेसिकली। तो फिर आपने क्या मतलब ये बात तस्लीम की है कि आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? मैं बराबर का शरीक तो नहीं हूँ, मैंने ना कर दिया, मगर मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ कि अगर मुझे भी इनके साथ अंदर जाना पड़ता है तो मैं जाती, सांस चलती है, मैं जीतूं या हारूं मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं।